दोस्तों वर्षा कुमारी के बारे में, 7 साल पहले शादी हुआ था, उनका 2 बच्चे हैं, आज वो दो जो बच्चे हैं आज वो अनाथ हो गए। बताएं दोस्तों अब ये 2 बच्चे किनके सहारा वो आगे जीवन यापन करेंगे। बहन जो होता है एक भाई के रक्षा के लिए कलाई पे रक्षा बांधते हैं, रक्षाबंधन में आज इस बहन इस दुनिया में नहीं है तो इस भाई को रक्षाबंधन कौन करेंगे। तो थोड़ा ये जो हैवानियत प्रति जो इस तरह की घटना के अंजाम दिए हैं, तो पुलिस प्रशासन से हम अनुरोध करना चाहेंगे इस घटना को आप अपने संज्ञान में ले। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त मौजूद है बिहार के दरभंगा जिला जमालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और दोस्तों आज के दिन में आपको एक ऐसा घटना के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसे हैवान पति है जो अपनी ही पति को निर्मम हत्या कर देते हैं। अब यह जो पूरा मामला है दोस्तों, यह लड़की का एड्रेस के बारे में आपको बता दे, उनकी जन्मभूमि है जो समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र के दौदा परसा गाँव रहता है, लेकिन उनका पूरा फैमिली जो है गुवाहाटी असम में रहते हैं, वहां पे काम काज करते हैं। उस लड़की को किसी भी तरह से उनका भाई जो है कमा खटा कर और एक व्यक्ति के साथ जो जमालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है उनके साथ शादी विवाह करते हैं। बड़ी खुशी के साथ साथ उनके परिवार में शादी करते हैं कि हमारे बहन को बहुत ही अच्छा तरीका से रखेंगे, लेकिन वो जो पति ऐसा निकला कि आज अपनी पत्नी को निर्मम हत्या कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों आपको बता दें कि उनने साला के ऊपर बार बार पैसे के डिमांड करते थे, और जो पत्नी का हत्या हुआ है वर्षा कुमारी का, उसके नाम पे दोस्तों 4-5 लोन भी उठाया गया था इनके पति के द्वारा। 4-5 लोन उठाया गया, जब पैसा नहीं चुका पाया तो लास्ट में अपनी पत्नी को हत्या कर दिया। इसको मतलब ज्यादा दूरी नहीं, बोले तो मेरे गाँव से 4-5 किलोमीटर दूरी है। तो हम लोग को शाम को पता चला, जब लाश को जला उला दिया ना, 4 बजे हम लोग पता चला। उधर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, मतलब गुटखा ही पानी कुछ भी खाने पीने चौक पर जाते हैं, तो पता चला कि इस जाति में मर्डर हो गया। हम लोग को पता है, तो उसमें पुलिस आया था। तो हम लोग को फिर 4-5 बजे हम उस रिलेशन में थे, तो वो कॉल किया तो बोला हमको ये जानकारी नहीं है, हम पूछते हैं। तो हम लोग खुद उस जगह पे गया, जब तक कोई मतलब लाश को रखा नहीं था, वो पहले ही सुबह ही जला दिया था। उसमें कुछ गांव आदमी भी वहां बोल रहा है कि मतलब कोई गांव समाज का आदमी उसको जलाने नहीं गया है, सिर्फ 3 ही आदमी गया, उसका सास ससुर और अपना पति, 3 ही आदमी गया है। उसको आग लगा, आग भी जो लगाया नॉर्मल आग लगाया, चीनी डाल के और अपना मिट्टी के डाल के, और जो जल्दी जल्दी में जला, हाँ उसका पूरा वो जो होता है ना पूरा जल भी नहीं पाया। और कुछ ऐसा कारण था, अगर मर गया जब वो बोल रहा है सामने से खुद मर गया, तो इन्फॉर्म कर सकता है ना सामने वाले को कि मतलब ये व्यक्ति मर गया जी। आप आइए एक बार देखिए, पोस्टमार्टम जो भी है उसको करवाइए जैसा भी है। पर उसको जो है बार बार प्रेशर किया जाता था। कुछ दिन पहले वो लड़की 1 साल करीब इसके मतलब मार खाने के चक्कर से थक के वो असम भी में रह चुका था। फिर वो वापसी बुलाया, वापसी बुलाने के बाद भी उसके बाद भी थोड़ा दिन अच्छा रहा, फिर उसको मारा। तो उसका जो बड़ी सिस्टर है वो उसके पास भाग गया, वहाँ भी 4-5 मिनट टाइम बिताया, फिर वहाँ से भी ले आया। पर कभी भी इनके रिलेशन जो है ना, रिलेशन पत्नी और पति जैसा व्यवहार नहीं था, मतलब हर वक्त पैसे से लेके अन्य विवाद, मतलब टोचन करना, घर बंद करके मारना, ये सब चलता ही रहता था कंटिन्यू। उसके बाद भी जिस दिन बोलते हैं मृत्यु हुआ है, वहाँ से जो 1-2 पता चला है, उस दिन भी लड़की घर छोड़ कर भाग रहा था। अच्छा, वो उसने क्या अपना जान बचाकर भाग रहा था, भाग रहा था। पर उसको समझा बुझा के वापसी ले गया घर पे। घर पे ले जाने के बाद उसको रात में ये घटना हुआ है, सुबह 9 बजे तक जला उला के उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद अगर उसका जो चचरी बनाया गया है, कहीं भी चचरी बनाया जाता है तो कच्चा बांस का बनाया जाता है, जो बम्बू होता है कच्चा होता है। ये मतलब जो घर में, कहीं आप हिंदू धर्म में नहीं देखेंगे कि घर में जो सूखा बांस या बम्बू रहेगा वो दिया जाता है, क्योंकि बिहार में ऐसा है जिसके पास वो पेड़ नहीं है तो गांव समाज के लोग, गांव समाज के लोग उसको 2 लगे 4 लगे 10 लगे देता है, जलावन तक देता है गांव समाज के लोग। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये साजिश है एक तरह से, आप जांच पड़ताल के पूरा साजिश है जी। आप के नाम बोले? रीना देवी। वर्षा कुमारी के बहन छे? हाँ बहन छे। अहाँ की जानकारी मिल रही है? हमरा 5 बजे शाम के जानकारी मिलले के जे उन्नै छथिन गुजर गेलखिन। तकर बाद हम फोन करलिए केना की भेलै, तो कहलखिन के जे लाश के जारि देलिए, नहि रहलै दुनिया में।
तो हम कहलिए ऊपर की जे रखियो जे हम यार आबे छे सब बहिन देखबे लहास के रोक के रखियो जलबे के नहीं छे हम यार देख लेबे तब कोनो बात हेते जी। हां आपका क्या नाम हुआ? पिंकू देवी। आपका ही बहन था ना? हां। आपको क्या इस मामले में कहना है? हमको क्या कहना है, हमको तो इंसाफ चाहिए अपना बहन के लिए। उनको जो जिस तरीका से टॉर्चर करता था, बार बार हमारे बहन बोलती थी दीदी हमें तकलीफ देता है, मारता है, अत्याचार करता है, हमको मारने के लिए इनके घर में छोड़ दिए क्या, हमारा कोई नहीं है। तो भी हम अपना बहन को समझाते थे, बुझाते थे, जो दो ठो लड़का हो गया आज न कल तेरा पति अच्छा बनेगा, तुमको देखेगा संभालेगा। हम लोग ये नहीं जानते थे जो टॉर्चर करते करते हमारे बहन को मार डालेगा। एक सप्ताह पहले हमारे बहन हमारे घर गए, चार दिन रहे, हम अपने दो नंबर वाली बहन को पास लेके गए, वहाँ से मिल के आए एक रात रह के। उसके बाद आई हमारे बहन ने बोली दीदी हम नहीं जाएंगे, हम 10 दिन रहेंगे। तो हमने बोला उसको जो 10 दिन रहेगी तो हमको पहले तुम फोन करके बोलती जब 10 दिन रहने आ रहे हैं, तेरे पति से हम ऑर्डर ले लेते हैं, अगर अभी रहोगी तो अभी समय है खेती का, पति सास ससुर को तकलीफ होगा, तुम थोड़ा पानी खाना बना के रखेगी तो वो लोग खाएगा धूप से आएगा तो। मगर वो ऐसे बोले तो हमारा बहन आने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद उसके साथ 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखे तो उसका फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ। हमको बाहर से पता चला क्या, जो उसको मार दिया गया, जला दिया गया, बॉडी पचा दिया। तो हम फोन पर फोन लगाए, ये लोग पूरे परिवार, इसका पिताजी, इनका पति, हमारे बहन का मोबाइल, टोटल स्विच ऑफ। उसके बाद में वो 5-6 बजे शाम को हमको फोन किया, बोला है, रो रो के बोल रहा है आपके बहन नहीं रहा। हम बोला क्या हुआ हमारे बहन को, आप मार डाले? तो बोला नहीं दाई, बोले हमारे छोटे बच्चा कान रहा था इसलिए जला दिए। हमारे भाई को बोला जो आपका बहन मर गया, तो हमारे भाई बोला कैसे मर गया, तो ऐसे ऐसे बीमार से मर गया। तो बोला बॉडी उसको रखो। उसने बोला क्या जो बॉडी, हाँ है रखा हुआ, हमारे भाई का मोबाइल पर रिकॉर्ड है, अगर पुलिस मांगेगी तो हम देंगे। मेरा नाम दीपक राय है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर तो ऐसे समस्तीपुर बिहार में पड़ता है, और ऐसे प्रॉपर में आसाम में रहता हूँ, विजयनगर में। आपके बहन के साथ ये पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है? ये तो पूरा पैसे को लेकर के कोई मामला है, जिसके वजह से इन लोगों ने मिल करके, इसका पूरा परिवार मिल करके हमारा बहन को मारा है, और हमको शक है इसके पति पर, उसके ससुर और सास पर, इन तीनों ने मिल करके ये कांड को अंजाम दिया है। और मैं अनुरोध करूंगा जिला प्रशासन से और पुलिस अधिकारी से, जो कि इस मामला का पूरी छानबीन की जाए और हमें इंसाफ भी दिया जाए। जी आप देख सकते हैं, क्या बोले बोल सके छे, और आगे क्या हुआ? और सुनने में आया था जो कि मेरा बहन के नाम पे वो लोग जोर जबरदस्ती करके 3-4 लोन लिया हुआ है, और लोन लेके उस लोगों ने क्या क्या पैसा खर्च कर दिया, और लोन ना देने दे पाने के वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया जो कि अगर इसको मार दिया जाए तो सारा लोन मेरा माफ हो जाएगा और लोन भी देना ना पड़ेगा। यही चक्कर में उन लोगों ने इस हत्या का अंजाम दिया है, और बहुत ही षड्यंत्र के साथ अंजाम दिया है, और डेथ होने के बाद भी हम लोगों ने ना खबर दिया और ना ही क्योंकि हमें बताया गया। और जब हम लोग पता चला जो कि हमारी बहन की डेथ हो गई है, तो हम लोगों ने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और 5-6 बजे के करीब मुझे उन लोगों ने फ़ोन किया जो कि आपके बहन का ऐसा ऐसा बात है, डेथ हो गया है, आप लोग आइए। तो मैंने उनको कहा जो कि ठीक है, आप मेरी बहन की जो बॉडी है उसको रखिए, हम लोग आकर के देखेंगे मेरे बहन को हुआ क्या है, और पुलिस प्रशासन से क्या बोलते हैं मेडिकल रिपोर्ट मंगवाएंगे जाकर वो कैसे मरी, क्या बीमारी था उसको। इतना कहते ही वो सुन करके वो सोचे जो कि नहीं, अब तो केस कानून के पास चला जाएगा, और इसी डर के वजह से वो लोगों ने डेड बॉडी को जला दिया। अच्छा आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना साजिश के तहत अपने पत्नी को निर्मम हत्या करते हैं, और हत्या करने के बाद अपने रिश्तेदार को, अपने साला को, अपने साली को, सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है,
जब ये लोग जो बोलते हैं कि नहीं है तो ठीक है, उनकी लाश को रखिए, हम लोग आएंगे, उसका मुंह तो कम से कम देख लेंगे। उनका भाई इतना गुवाहाटी आसाम से आते हैं बिहार अपने बहन से मिलने के लिए, अपने बहन को शकल देखने के लिए, लेकिन ये हैवान पति है जो उसको जला देते हैं। बहुत ही साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इतना जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा जो कि हमें न्याय मिला जाए और जल्द से जल्द इस हत्या को जो उन लोगों ने अंजाम दिया है उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।